तो आज का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। 11 AAC गुवाहाटी का ये रिव्यू है, और ऐसे करके आपको बता दें कि बिहटा, सिकंदराबाद, ताम्बरम, अम्बाला, कानपुर, जोधपुर, जितना भी AAC पर आज आपका फेज 2 हुआ है, एक एक करके आपको इस चैनल पर देखने को मिलता जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी मदद मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो को भी आपको फॉरवर्ड करना है। देखो, ये आपका 11 AAC गुवाहाटी का ये रिव्यू है, और हमारे ग्रुप से ये इनका सिलेक्शन मतलब कि हो गया है। ठीक, और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम का जो लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर क्लिक करिएगा, सीधे आप ग्रुप में पहुंच जाओगे और VC वहां पर कंटिन्यू आपका चलता रहता है। जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होकर आते हैं वहां पर रिव्यू को अपना शेयर करते हैं, वॉइस चैट में लिख कर भी शेयर करते हैं, तो आपको हेल्प भी मिल जाएगा। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, हर एक अपडेट आपको वहां पर फेज 2 से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डाल दिए ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं मेन यहाँ पर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जो हमारा है यानी कि रिव्यू आपको हम सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। रिपोर्टिंग में फिर उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, 1 से लेके 175 तक, फिर उसके बाद 175 से लेके 350 तक। फिर एक ग्रुप बनाने के बाद हमको अंदर ले गए, फिर वहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज अलॉट किया, और फिर वहाँ पे जो जो बच्चे जिनके पहले हो रहा था उन लोग को बस में बिठा के ज्वाइन का सेंटर है एयरपोर्ट, वहाँ पे ले गए। फिर एयरपोर्ट से वहाँ पे ले गए, फिर वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेचिंग कराया हमको, फिर पुशअप में मतलब की पूरी अच्छी तरीके से कमांड दी कि क्या कहते हैं, रनिंग ऐसे करनी है, पुशअप ऐसे करनी है, जो यहाँ पे करना है वहाँ करना है। फिर हमको ये लोग पैदल ही ले गए जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर वहाँ से फिर वहाँ भी हमको बताया कि रनिंग में कोई ऐसा नहीं करना, आराम से रनिंग करनी है, किसी को धक्का नहीं मारना है। फिर वहाँ पे स्टार्ट बोला, फिर सब मतलब कि मेरे बैच में कम से कम 110 बंदे थे, और उनमें से रनिंग सभी के क्लियर हुई, कोई आउट नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और जैसे भी आपने बताया था कि वहाँ का ट्रैक थोड़ा छोटा है, तो मुझे भी लगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 मीटर छोटा होगा, बस ज़्यादा नहीं था। अच्छा, हाँ, ज़्यादा छोटा नहीं है। तो फिर वहाँ पे राइट साइड पे टर्न था, तो वहाँ पे आगे जाके 50 मीटर की दूरी पर मॉक्सर वगैरह थे, उसके आगे जाके फिर वहाँ पे सभी लोग निकल गए। उसके ठीक जस्ट बगल में लेफ्ट साइड पे ग्राउंड है उनका, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे फिर ले गए, वहाँ पे काफी मतलब एयरमैन थे। हाँ, तो वहाँ पे फिर ले गए, फिर वहाँ पे कम से कम 110 थे, तो 100 सभी की पुशअप्स हुई, पुशअप्स में फिर कमांड वगैरह बताई, और पुशअप्स में बस एक ही जन आउट हुआ। अच्छा, हाँ, और वो भी उसको वही आउट हुआ जिसका हाथ कांप रहा था। होल्ड का कितना क्या सीन था? होल्ड भैया बिल्कुल नहीं था, होल्ड भैया बिल्कुल भी नहीं था, होल्ड मतलब जैसे बोला डाउन अप डाउन अप ऐसे हो रहा था। हाँ बिल्कुल भी मतलब काउंटिंग वाला नहीं हो रहा था, बस डाउन नहीं 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 काउंटिंग था ही नहीं। ओके, मतलब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था। और फिर उसके बाद स्क्वैड्स का कमांड दिया, स्क्वैड्स में होल्ड होल्ड था कि नहीं था? नहीं, बिल्कुल होल्ड नहीं था ना, स्क्वैड्स में भी होल्ड नहीं था। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद आया इसका क्या कहते हैं, क्या सेटअप्स का आया। हाँ, तो इसमें भी 2-3 बंदों का आउट किया। मतलब क्या क्या सीन था उनका सेटअप में? मतलब उन्होंने कहा था कि ना पैर उठने नहीं चाहिए, और पूरा बॉडी लेके पीछे से लेके फ्रंट तक आना है, और टो को छूना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, और उस टाइम मतलब आपके पैर नहीं उठने चाहिए। अच्छा, तो उसमें शायद 2 बंदे आउट हुए, तो मेरे तो फिर ओवरऑल जो अगर बताऊं मैं तो 110 में से 107 का फाइनल हो गया था BFT का। अच्छा, फिर हाँ, तो हमारा पहले ही बैच था, तो फिर 107 को वापस वहाँ पे फिर बिठाया थोड़ी देर, फिर वहाँ बस आई, फिर वापस हमको यहाँ पे लेकर आई। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर अंदर हमको ले गए, फिर वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक होती है वो सब करवाया। फिर भैया वहाँ पे काफ़ी देर बिठाया, मतलब फिर वहाँ पे फिर जिनका चेस्ट नंबर 22 था, फिर उनको अंदर काफ़ी बड़ा हॉल है, मतलब जिन जिन बच्चों की जिन जिन की रनिंग सभी की रनिंग हो गई थी। हाँ भैया, एक चीज़ और बताऊँगा आपको मैं, जैसे 350 की रिपोर्टिंग थी, तो 350 में से आप मानोगे नहीं, 220 बच्चे आए थे कुछ 220 के आसपास। अच्छा, 220 मैक्सिमम कह रहा हूँ आपको, इससे ऊपर होगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, और बाकी पीएफटी में लाके जो पीएफटी में आउट हुए सिर्फ 12 से 13 बंदे बस। और जीडी में
जीडी में भैया हम जब हॉल में बैठे थे तो मैंने वहाँ पे काउंट कर लिया था कि यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, तो 208 बच्चों का जीडी हुआ है। अच्छा हाँ, 208 में बच्चों का जीडी हुआ। फिर वहाँ पे मतलब भैया बहुत बिठाया, भैया पागल कर दिया, मतलब हर आधे घंटे में डॉक्यूमेंट्स वो करो वो करो। अच्छा। मतलब खाने पीने का भी उन्होंने कर रखा था सुविधा। जैसे रनिंग के बाद हम लोग आए तो उन्होंने कहा जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर वहाँ से बुलाया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर डॉक्यूमेंट्स करवाए, यही सब हुआ। ऐसे में मतलब फिर इन्होंने जीडी स्टार्ट करते कम से कम हमें, मेरा 248 चेस्ट नंबर था मेरा, 3 बजे के बाद मेरा जीडी हुआ। अच्छा हाँ, और इन लोग के पास होल भी शायद कम थे मेरे ख्याल से, 4-5 होल थे तो उसमें करवाया। बाकी मेरा तो जहाँ पे हुआ था वहाँ पे टेंट के नीचे कराया था हमको तो। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे टेंट के नीचे कराया। लेकिन भैया जीडी का जब वो आया रिजल्ट, इन लोगों ने इतना सस्पेंस बना दिया, पूछो मत बस। मतलब कि इतना सस्पेंस, मतलब कि देखो क्या हुआ, क्या हमको लगा कि 208 लोग जीडी में है तो शायद क्या पता, और 208 लोगों में से शायद सभी ने अच्छा बोला है सब। अच्छा। हाँ मतलब कि किसी का कोई इतना इशू नहीं था। तो हमको तो इन लोगों ने क्या किया जीडी के बाद ना, इन्होंने ना जो मेडिकल फॉर्म होते हैं 208 को दे दिया, सभी को दिया। अच्छा ठीक है, अब सुनते जाइए आप साहब। तो हमको हमको लगा भाई क्या पता सभी का जीडी हो गया वो क्लियर, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने हमको वो फॉर्म, मतलब फॉर्म में खाली फोटो चिपकानी थी। तो फोटो चिपकाने के बाद इन्होंने बोला कि आप तुम लोग बाहर जाओ, चाय वाय पी के आओ। चाय वाय पीने के बाद फिर उन्होंने हमको अंदर बुलाया। अच्छा हाँ, अब यहाँ स्टार्ट होता है। फिर एक आए, मतलब कि जो अच्छे खासे रैंक के ऑफिसर थे, हाँ वो आए। फिर उन्होंने फिर इंग्लिश में स्टार्ट किया बोलना कि अब आपका वो आएगा रिजल्ट। और उस टाइम तो बच्चों की जो हालत खराब हुई, मेरी भी हालत खराब हो गई थी उस टाइम तो। मैंने कहा यार ये मेडिकल फॉर्म भरवा के, क्योंकि साथ में एक बच्चा था वो कह रहा था भाई मेडिकल फॉर्म मतलब अभी दे दिया, मतलब सभी का जीडी हो गया है। अच्छा। लेकिन फिर जब उसने ऑफिसर ने बोला कि नहीं अभी आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड का स्लिप मिलेगा। फिर जो जीडी में फिर इन्होंने कम से कम 20-25 बंदे बाहर निकाल दिए, एक साथ ही निकाल दिए। मतलब भैया एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं बताता हूँ अपने ग्रुप का, मेरे ग्रुप में था 16 या 18 बच्चे थे। अच्छा। हमारे ग्रुप में सिर्फ 2 बंदे आउट हुए और मेरे ठीक पीछे वाला आउट हुआ। अब वो क्या कर रहा था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। देखो जीडी स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला कि ना ये पहले इंटर देना है, इंटर में आपका जो पूरा है सब कुछ देना है आपको। अच्छा, मतलब पूरा देना आपको फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ। उसी इंटर में आपको अपना वो टॉपिक का थोड़ा इनिशिएट करना है बस। तो सभी ने इनिशिएट किया। अच्छा। फिर उसके बाद फिर सर ने बोला अब सब कुछ हो चुका है, अब आप लोग करो इसको स्टार्ट, जीडी स्टार्ट करो। जीडी स्टार्ट किया तो फिर मतलब थोड़ा डिसिप्लिन, हम मेरा बैच का डिसिप्लिन बढ़िया था। अच्छा। कोई मतलब ज्यादा फिश मार्केट नहीं कर रहा था तो सब लोग लाइन वाइज ही बोल रहे थे। लेकिन जो जो मेरे साथ बैठा था ना वो बार बार बोलने जा रहा है आई वॉन्ट टू स्पीक। अच्छा। I want to speak. मैं उसको हाथ से मना भी कर रहा था भाई मत बोल, अभी अपना बारी आएगी सबकी। तो उसके बाद भी वो बोले जा रहा है I want to speak. तो मैं फिर वो मैं बोल ले भाई तो बोल ही ले। तो फिर उसने बोला फिर उसी टाइम की उन्होंने उसको देख लिया। अच्छा। वो जब वो तो थोड़ा चिल्ला के बोल रहा था आई वॉन्ट टू स्पीक। तो फिर उसको फिर वो रुका, फिर सभी ने बोला मतलब कि जीडी का मतलब कि वहाँ यही मेन था कि ना डिसिप्लिन में रहो और ज्यादा चिल्लाओ मत किसी पे। अच्छा। और हाँ डिसिप्लिन में वहाँ पे बहुत जरूरी है, वाटिका में नोटिस कर लिया। जो जो डिसिप्लिन में रहेगा अपने आपको शांत रखेगा, अपने वीडियो में डिसिप्लिन तो मेन चीज है। हाँ अपनी अपनी बारी का जो इंतजार करेगा और किसी को रोकेगा नहीं, उसका 2 बार बोल लेगा क्लियर अच्छे से, उसका जीडी हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ भैया मेरा जीडी कैसे गया। मैं तो भैया इंटर में ही मतलब कि थोड़ा हेजिटेट हो गया था मैं। अच्छा। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मुझे दिमाग ही मेरा उस टाइम जैसे ही पास आ रहा था इंट्रो, मेरा थोड़ा सा हो गया था, हेजिटेशन हो गई थी। लेकिन सर ने बोला कोई नहीं आराम से रहो अब स्टार्ट करो। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने अच्छा बोला, मैंने फिर 2 बार बोला और मैं बस शांत रहा। और मैं उसको मना कर रहा था, उस बेचारे का भी हो जाता, वो उसने बोला अच्छा था। अच्छा। लेकिन वो अपने पॉइंट्स को इतना मतलब कि सामने वाले पे प्रेशराइज कर रहा था कि मुझे बोलना ही है, आई वॉन्ट टू स्पीक, मुझे बोलना है, ऐसे बोल जा रहा था। बस वो सीईओ की नजर में आ गया और एक बंदा था उसने थोड़ा हल्का फुल्का बोला तो ये 2 बंदे आउट हो गए। जी था जीडी का। हाँ और भैया लेकिन जीडी में मैं तो कहूंगा भैया
गुवाहाटी का मतलब डिसिप्लिन में रहो तो बेस्ट रहेगा, ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा तेज मत बनो, अपनी बारी का इंतजार करो। और वो लोग सामने से आपको बोलेंगे कि टेस्ट नंबर 248 वुड यू लाइक टू से समथिंग, देन यू कैन स्टार्ट। हाँ तो ऐसे ही मुझे बोला था, मेरे को लगा यार, मुझे लगा कि मुझे बोल रहे तो मतलब कोई दिक्कत है, फिर तो मुझे मुझे बोलना ही पड़ेगा अब तो। अच्छा तो मैंने बोल दिया। फिर कितने बार बोले थे तुम? दो बार। मैं दो बार बोला, और मैं एकदम मतलब एक बार में तो मैं अटक गया था, लेकिन मैं दोनों बार अच्छा बोला। मैंने एग्री किए थे कि पॉइंट ऐड किए? मैंने नहीं, मैंने पॉइंट ऐड किए थे अपने। अच्छा हाँ। और बाकी हमारा टॉपिक था यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, लेकिन मेरे को भैया इन्होंने शायद लिखने में बहुत टाइम थोड़ा कम दिया शायद। अच्छा हाँ, लिखने में कम से कम शायद 10 मिनट नहीं, शायद 7 या 6 मिनट ही दिए लोगों ने। और जो सुने कि मतलब कि अब रिकॉर्डेड सुना रहे हैं? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड सुना रहे हैं कंप्यूटर पे एक स्पीकर कनेक्ट करके। हाँ तो वो सामने रहेगा, और वो भैया वो भी पूरा मतलब कि नहीं है 10 मिनट का, वो भी 4-5 मिनट का ही है। वो भी मतलब कि था किसी का, सीईओ का आवाज ही था, लेकिन बहुत आराम से बोल रहा था, मतलब बंदा समझ जाएगा अच्छे से, पूरा व्यवस्था रखे इस बारे में बोला। हाँ बाकी भैया जीडी का तो भैया पूछो मत, जीडी का टाइम मतलब सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि भैया मेडिकल फॉर्म भरवाने के बाद जब ये बताएंगे कि जीडी का रिजल्ट आएगा। हाँ ये फिर हमको तो डाउट में बताया जीडी का, मेरे पीछे वाला आउट। हाँ तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो क्या इसका गुवाहाटी देखो शॉर्ट गुवाहाटी का देखो मैं बताता हूँ भैया, गुवाहाटी का 350 का रिपोर्टिंग थी, 350 में से 220 के समथिंग प्रेजेंट थे, इससे ऊपर नहीं हुआ, ठीक है ना। 220 में से 12 से 15 पीएफटी में आउट हुए हैं सिर्फ। मैं ज़्यादा ही बोल दी, सिर्फ 12 ही होंगे। हाँ बाकी 208 जीडी के लिए गए, 208 में से कम 15 से 20, 18 से 25 बंदे जीडी में आउट हो गए। अच्छा अगर देखा जाओ तो ओवरऑल माइनस करके 180 के आसपास बैठेगा, 180 जो वालों को मिला है मेडिकल मिला है, और सभी को मेडिकल शायद तेजपुर ही दिया है। हाँ सभी को तेजपुर दिया है, छबुआ नहीं दिया किसी को, छबुआ किसी को नहीं दिया इस बार। मेरे को लग रहा है भैया शायद रिपोर्टिंग कम था इसलिए सभी को तेजपुर ही भेज दिया। हाँ बाकी भैया डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, डेट अलग अलग दिया होगा? हाँ डेट मतलब कि जिनका चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं लोग डेट। अच्छा जैसे इसका पहले है एक का, एक से लेके 45 तक को दिया है 2 तारीख को, फिर बाकी को दिया 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, मेरा 5 तारीख को है, मतलब लगातार ऐसे दिया है। हाँ कैंपिंग वगैरह कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और वो बताया कि अच्छे से इंस्ट्रक्शन बताया कि सादा खाना खाना है, कुछ उल्टा उल्टा नहीं खाना, जिसके पास आइस का प्रिस्क्रिप्शन है वो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से बनवा के लाना, अगर ऐसे वैसा होगा तो हम नहीं इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आपका ये रिव्यू था, इतना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो चश्मा यूज करते हैं अपना, लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन आई का बना लेना, ठीक है, लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन आपका आईज का चाहिए होगा, और स्टैम्प रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का हर चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। एक प्रिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे टेलीग्राम पर जो चश्मा यूज करते हैं, उसी तरीके से आप लोग बनाकर रेडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम मेडिकल में मिल नहीं रहा उतना, 2 तारीख से ही मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चेस्ट नंबर 1 से 45 तक का 2 का डेट गया, ठीक है, 45 से फिर 90 ऐसे करके आपका 45-45 करके टोटल इनको डेट दिया गया, लगातार मेडिकल होने वाला है चेस्ट नंबर के हिसाब से, ठीक। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, अगर तुम्हारा चेस्ट नंबर मान लो कि ज़्यादा है नहीं, ठीक, तो आप मानो कि आपका जो मेडिकल है ना वो पहले ही होने वाला है, आप अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि एक दिन में 45 का रिपोर्टिंग होता है मेडिकल के अंदर, तो एक दिन में अगर 45 का रिपोर्टिंग होता है तो आप अपना चेस्ट नंबर फेस टू का एडमिट कार्ड पर देखिएगा कि आपका चेस्ट नंबर कितना है, ठीक, तो चेस्ट नंबर के हिसाब से आपका ये चीज़ें होने वाला है कि कितना आपका मिलने वाला है, मतलब कि कितने का क्या होगा क्या नहीं होगा, 1 से 45 जिनका होगा उनका मिलेगा, फिर बहुत जल्दी मिल जाएगा, अगर उनका 45 से मतलब कि ऊपर होगा चेस्ट नंबर तो अगला डेट मिलेगा, ऐसे करके डेट वेट मिल रहा है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मिशन अग्निवीर ग्रुप का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर क्या करना है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।